गाइज हमारे शरीर में जो कीड़े उत्पन्न होते हैं वह जिससे कि हम लोग जीवित रहते हैं वह कीड़े कितने हमारे शरीर में रहते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें कि हमारे शरीर में कीड़े कितने उत्पन्न होते हैं जो कितने लाभदायक हैं। गाइज कौन सा एक जीव जंतु है जो कि 18 से 20 घंटा सोते हैं, यानी कि 18 से 20 घंटा आप लोग सुनकर चौंक गए होंगे कि 18 से 20 घंटा कौन सा जीव जंतु सोता है जो कि मात्र 4 से 6 घंटा वह नहीं सोए हुए रहता है, बाकी 18 से 20 घंटा सोए हुए रहता है, उस जीव का क्या नाम है? जीव का मैं बताना चाहता हूँ कि फेरेटस एक ऐसा जीव है जो कि 18 से 20 घंटा सोता है। गाइज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे आँख के जो पलके होते हैं वह एक दिन में कितने बार झपकते हैं, लेकिन एक वर्ष में कितने बार झपकते हैं मैंने बता देता हूँ कि एक दिन में आधे घंटे के बराबर, यानी कि आधे घंटे आप सो सकते हैं इतने पलके झपकते हैं, और एक वर्ष में यानी 42 लाख बार मेरे आँख के पलके झपकते हैं। मेरे वीडियो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोग को पहले से पता है कि ऊंट जो है एक बार पानी पीने के बाद लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन जिराफ ऊंट के तुलना में अधिक दिन तक एक बार पानी पीने के बाद वह अधिक दिनों तक जीवित रहता है, जो कि ऊंट उससे कम है, जिराफ उससे अधिक दिनों तक जीवित रहता है। क्या आपको पहले से पता था? नहीं गाइज, यानी कि ब्राजील देश है, वहाँ किस जीव जंतु पृथ्वी भगवान या किस पर पेड़ पौधे पर रखा गया है? जी मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्राजील देश है, वहाँ एक पेड़ यानी कि पेड़ के वृक्षों के नाम पर ब्राजील देशों का नाम रखा गया है, ऐसा कोई देश नहीं है बाकी जिसको पेड़ को नामों पर देश रखा गया है, ब्राजील ही एक देश है जो कि पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा। रात को और दिन को ड्यूटी यानी कि नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी होता है, लेकिन जो डे ड्यूटी कर रहा है उसका वजन और जो नाइट ड्यूटी कर रहा है उसका वजन, यानी कि बैठकर कर रहा है नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी में बैठकर कर रहा है उसका वजन तुलना क्या होगा? सेम खाना खा रहा है। जो नाइट ड्यूटी कर रहा है उनका वजन अधिक होगा और डे ड्यूटी जो कर रहे हैं उनका वजन कम होता है, ऐसा यहाँ पाया गया है साइंसों द्वारा। मेरा वीडियो लाल चिटिया यानी दुनिया में जो लाल चिटिया है वह कितने लाल चिटिया है, कोई उसका काउंट है? इतना तो काउंट नहीं है कि वह कितने हैं, लेकिन यह प्रमाणित है कि दुनिया में जितने व्यक्ति हैं उनके पास एक एक प्रत्येक चिंटिया लाल चिटिया यानी जिसे देहाती भाषा में कहता है, जो पेड़ पौधे पर चिंटिया रहते हैं मट्टा जिसको मट्टा कहा जाता है देहाती भाषा में, लेकिन वह एंट रेड एंट जो होते हैं लाल चिंटे वह प्रत्येक आदमी के पास एक एक रख दिया जाता है, दुनिया के बराबर हो जाएगा, यानी दुनिया के पूरा प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक चिंटी हो जाएगा। गाइज जो गाय का यानी कि काऊ का मिल्क यानी गाय का जो दूध होता है, जो जितना दूध अधिक सुगंध यानी कि सुगंध देता है उसमें अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, जो गाय अधिक सुगंध दिया उसमें अधिक फैट पाया गया जिसको खाने से अधिक बेनिफिट हुआ। जी हाँ, आप ऐसा दूध ही देखें जिसमें अधिक सुगंध है उसी का दूध यानी कि प्रतिदिन जो उठाना किया जाता है उससे दूध का उठाना करें, आप इसको एक बार जरूर देखें। गाइज कोई भी जो जीव जंतु है जिसको जन्म देने के लिए यानी कि अंडे देने के लिए 6 महीना साल भर के अंदर वह पूर्ण रूप से जन्म दे देता है, लेकिन महिला कोड्डा एक ऐसा जीव है जो उसको जन्म देने के लिए अंडे को जन्म देने के लिए उसे 2 साल यानी कि 2 साल के बाद ही वह जन्म देता है, फिर जन्म देने के लिए फिर अगले 2 साल के बाद है। जी हाँ मेरे वीडियो अच्छा, अफ्रीका महादेश में महाद्वीप है जिसमें यानी कि कितने देश है अफ्रीका महाद्वीप में? महाद्वीप में सबसे अधिक देशों का जो कहा जाता है वह 54, मैंने यानी कि उसमें 54 देशों है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, 54 देश है। मेरे वीडियो जो कंगारू होता है वह बच्चे को जन्म देता है, तो आप लोग कहेंगे हम लोग कहेंगे कि वह बच्चे को जन्म देता होगा उस समय 1 फीट 2 फीट का कम से कम बच्चा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, मात्र 1 इंच का कंगारू का बच्चा जन्म के समय रहता है, यानी कि जो मधुमक्खी जिसको मध कहते हैं यानी कि मधुमक्खी के बराबर होता है 1 इंच, उसी उतना ही बड़ा रहता है कंगारू का बच्चा जन्म के समय, उसके बाद बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। गाइज अगर आपके पास यानी कि कीड़े
कीड़े नहीं रहे, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला जो कीड़ा होता है मनुष्य के अंदर, वो अगर नहीं रहे तो आप यानी कि मरणशील हो सकते हैं, यानी कि मर सकते हैं। कीड़े के द्वारा आप लोग हम लोग जीवित हैं। कितने कीड़े मनुष्य के अंदर अवेलेबल है? 20 मिलियन, यानी कि 20 मिलियन कीड़े हमारे शरीर के अंदर है, जिसके कारण हम लोग बोल रहे हैं या जीवित हैं। अगर कीड़े सारे खत्म होते हैं तो हम लोग मर जाते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें।